कहता है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक डिपेंड अपॉन, टोटल एनर्जी अगर SHM हो रहा है तो SHM में टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है। और टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो होता है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए पर डिपेंड कर रहा है, या के और ए पर डिपेंड कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा, के कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगा।